आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello students let's start the question question here is which of the following involve in the regulation of the glomerular filtrate rate in kid राइट right, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन ऑप्शन में से क्या जो है इन्वॉल्व होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट रेगुलेशन में ओके okay, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है जे जी ए तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही होता है जे जी ए जो है ये जक्स्ट्रा ग्रोमरुलर अपारेटस है जो कि कंसिस्ट होता है विद इज ट्यूबुलर एपिथीलियल सेल्स जिसे हम मैक्यूलर डेंसा कहते हैं राइट और ये जो है सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमिरुलर हेमोटानिक्स आफ्टर देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है मायोजानिक राइट right? तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सही होता है मायोजानिक मैकेनिज्म्स जो है किडनी में होते हैं और ये जो है पार्ट है ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म के जो कि मेंटेन करता है कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो को ओके आफ्टर दैट देखेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व बोथ द ऑप्शन ओके लास्ट ऑप्शन देखेंगे लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है नन तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है ऑन दैट बेसिस करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन थर्ड एंड रिमेनिंग हेयर आर द रॉन्ग ऑप्शन इवन फॉर दिस क्वेश्चन राइट 12 से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर